हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो स्पेस में डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है, लेकिन यह कोई यूजुअल डिस्टेंस मेजर नहीं है। यह है लाइट ईयर। आपने इस टर्म को सुना तो होगा, लेकिन क्या आपको पता है लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? सो गेट रेडी, क्योंकि आज हम समझेंगे लाइट ईयर को सिंपल और फन वे में। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, लाइट ईयर होता क्या है? क्या ये टाइम मेजर करता है? नहीं, लाइट ईयर एक डिस्टेंस मेजर करता है। सिंपल वर्ड्स में, एक लाइट ईयर का मतलब है जितनी दूरी लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल करती है अप्रोक्स 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। इमेजिन कर सकते हो इतनी हाई स्पीड। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एक साल में लाइट ट्रेवल करती है अप्रोक्स 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। यस, ट्रिलियन किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन आता है, हम लाइट ईयर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि स्पेस में डिस्टेंसेस इतनी ज्यादा बड़ी होती हैं कि किलोमीटर्स या माइल्स का यूज करना प्रैक्टिकल नहीं होता। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एक स्टार हमसे 946 ट्रिलियन किलोमीटर्स दूर है, हम सिंपल बोलते हैं कि वो स्टार हमसे 100 लाइट ईयर्स दूर है। सिंपल, राइट? एक फन फैक्ट, अगर आप फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट में भी बैठे हैं तो आपको एक लाइट ईयर ट्रेवल करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। ये दिखाता है कितना वास्ट और अन इमेजिनेबल हमारी यूनिवर्स की डिस्टेंसेस हैं। लाइट ईयर का यूज काफी फैसिनेटिंग फैक्ट्स रिवील करता है। जैसे जब आप एक स्टार देखते हो जो 100 लाइट ईयर्स दूर है, तो आप उसको वैसे देख रहे हो जैसे वो 100 साल पहले था। क्या आपको पता था कि हम जब भी नाइट स्काई में देखते हैं, हम पास्ट को देख रहे होते हैं? अगर हम अपने क्लोजेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी की बात करें तो वो हमसे अप्रोक्स 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर लाइट हम तक पहुंचेगी तो उसको 4 साल लगेंगे। सोच के देखो, अगर हम उस स्टार को आज देख रहे हैं तो हम एक्चुअली उसकी इमेज देख रहे हैं जो 4 साल पहले की है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर लगभग 1,00,000 लाइट ईयर्स है, और जो सबसे करीब वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा है वो हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इमेजिन करो, जब हम एंड्रोमेडा को देखते हैं, हम उसको वैसे देख रहे हैं जैसे वो 2.5 मिलियन साल पहले थी। ये ही स्पेस की ब्यूटी है। एक और यूनिट होती है जो स्पेस में यूज होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। ये डिस्टेंस मेजर करती है बिटवीन अर्थ एंड सन, जो अप्रोक्स 150 मिलियन किलोमीटर होता है। बट जब हम सोलर सिस्टम के बाहर की बात करते हैं, तब लाइट ईयर को यूज करना इजियर होता है। सो गाइज, लाइट ईयर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे लिए एक विंडो है स्पेस के अनइमेजिनेबल वास्टनेस को समझने का। हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये लाइट ईयर की हेल्प से ही हम समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग स्पेस कंटेंट।